हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद धृतिमन। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और आज हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर 8 एनसीईआरटी की बुक, और चैप्टर का नाम है आपका भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें ये लेसन बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत काम की हैं। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है ना? इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं, तो हम जानते हैं आपकी सर्दी, गर्मी, आपका शरद ऋतु आपकी आती है, आपकी ग्रीष्म ऋतु आपकी आती है, आपका वर्षा ऋतु आपकी आती है, और आपका तो आपका कौन कौन सा है, देखो दिसंबर से फरवरी तक का कौन सा मौसम होता है, आपका सर्दी का समय होता है। मार्च से मई तक का कौन सा समय होगा, आपका गर्मी का मौसम होगा। जून से सितंबर का मौसम कौन सा होगा, ये आपकी वर्षा ऋतु होगी। और अक्टूबर से नवंबर कैसा होगा, मानसून लौटने का समय, जिस पर क्या आती है, मावट आती है, और वो कौन सा समय है, शरद ऋतु का समय। तो चार ऋतु कौन कौन सी होगी, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद, ठीक है। तो शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु का मतलब ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती। हमने जब पहले पढ़ा था तो हम जानते हैं शीत ऋतु कब आती है, जब आपकी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी नहीं पड़ती हैं, बजाय मकर रेखा पर वो सीधी पड़ रही होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें ना पड़ने की वजह से यहाँ पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं और यहाँ पे ठंड का वातावरण क्रिएट हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ मौसम क्या हो जाता है, ठंडा, जिसको हम शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती और इस वजह से उत्तर भारत का जो तापमान है वो कम हो जाएगा, तो क्या हो गया, आपका शीत ऋतु आ जाती है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी हमने पढ़ा कि जब आपकी कर्क रेखा पर, देखो आपको अच्छे से याद होगा कि हमारे भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है और कर्क रेखा मध्य से निकलती है, तो यहाँ पे इस वक्त ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ पे आपकी क्या सीधी किरणें पड़ रही होती हैं कर्क रेखा के ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है इस क्षेत्र में, और हमारा भारत इस क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे गर्मी का मौसम आ जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं जिसे लू कहा जाता है। देखो ये स्थानीय पवन है, ठीक है। स्थानीय पवन का मतलब क्या हो गया, देखो आपने पछुआ पवन, ये वैश्विक पवन है, आपने पछुआ पवने पढ़ी, आपने व्यापारिक पवने पढ़ी, ये सब कैसी है, ये वैश्विक है, ये विश्व स्तर पर जब हम बात करते हैं तो, लेकिन ये क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवन है। और हमारे राजस्थान क्षेत्र में, भारत के जो राजस्थान क्षेत्र है वहाँ पे जब गर्म और शुष्क हवाएं सामान्य तौर पे बहती हैं तो उसको हम लू कहते हैं। तो ये क्षेत्र विशेष की विशेषता है, या कहें कि ये राजस्थान विशेष में चलने वाली पवनों को कहा जाता है, जिसे लू कहा जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु के समय चलती हैं और दूसरा ये गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं साथ में, ठीक है। तो ये रहेगा, इसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, छोटे एग्जाम्स में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पे आपका आओ खेलें वाला प्रोग्राम है, अगर आपके पास समय है तो निश्चित रूप से खेलेगा, हम आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी में देखो इसमें एक छोटी सी शब्दों की एक छोटी सी मिस्ट्री दी हुई है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए वैसे काफ़ी यूजफुल होगा। ये आपका एक तो जो वर्षा है उसको हिंदी में तो वर्षा कहा जाता है, लेकिन मराठी में पाउस कहा जाता है, उर्दू में इसको बारिश कहा जाता है, और बंगाली में इसको वर्षा कहा जाता है, वर्षा, ठीक है। तो ये चार शब्द आपको आपकी डिक्शनरी में जोड़ लीजिएगा, शायद कभी आपके
काम है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आपकी कौन कौन सी ऋतु हुई? आपकी एक तो हो गई ग्रीष्म ऋतु, एक आपकी शीत ऋतु। अब बात करते हैं आपकी वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु, ये ऋतु कब होती है? आपके भारत में जो मुख्य जो मानसूनी पवने चलती हैं वो किसकी वजह से चलती हैं? वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से चलती हैं। तो मुख्य पवन किस वजह से चलती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से चलती हैं। और इसी समय हमारे भारत देश में मुख्य जो वर्षा का मौसम होता है, ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वो अपने साथ नमी भी लाती है और जब ये पवने पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। तो देखो हमारे भारत देश की स्थिति अगर देखी जाए तो नीचे से कुछ इस प्रकार की। तो यहाँ से आपकी बंगाल की खाड़ी, यहाँ आपका अरब सागर, पवने चलती हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो टकराती हैं वो आपके पश्चिमी घाट की साइड में टकराती हैं, फिर इधर से होते हुए फिर इधर एंटर भी करती हैं, है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये आपकी बंगाल की खाड़ी का मानसून से होता आता है। हमारे राजस्थान के क्षेत्र में बहुत जो वर्षा होती है वो समांतर बंगाल की खाड़ी की साइड से आने वाले मानसून से होती है। जबकि ये दिशाएं कौन सी होती है? ये आपके दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली पवने हैं, जो कि अब यहाँ पे चूंकि क्या होता है, निम्न वायु दाब बनता है उस वक्त गर्मी की वजह से, निम्न वायु दाब निर्मित हो चुका होता है और आपके समुद्र के क्षेत्र में उच्च वायु दाब होता है। तो यहाँ से क्या पवने आपके निम्न उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहेंगी। तो यहाँ पर क्या होती है, नमी होती है पानी की वजह से। तो ये नमी को साथ में लेके आता है, फिर यहाँ पे संघनित होकर वर्षा का कारण बनती है। और यही कारण क्या है कि दक्षिणी पश्चिम में मानसून हमारे लिए वर्षा ऋतु का आगमन है। ठीक है, ये कैसा है, वर्षा का मौसम है। और ये आता कहाँ से? अरब सागर और आपकी बंगाल की खाड़ी से होते हुए आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, अब आया है तो जाएगा भी। ठीक है, तो जब धीरे धीरे वर्षा होती है तो धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे जहाँ निम्न वायु दाब था वहाँ अब निम्न से उच्च वायु दाब होने लगता है। आपके सूर्य की जो स्थिति है वो भी बदलने लगती है। तो इन सभी प्रभावों को देखकर यहाँ पे क्या, उच्च वायु दाब निर्मित होने लगता है और समुद्र की तरफ निम्न वायु दाब निर्मित होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में पवनी उल्टी तरफ बहना चालू होती है और इस स्थिति में जो मानसून आया था अब उसके लौटने का समय हो जाता है। और जब लौटती है तो लौटते हुए, देखिए आप पढ़ लेते हैं, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मौसम के लौटने का समय होता है, मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। तो देखो एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये कि मानसून जब लौट रहा होता है तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो देखने को मिलती है भारत में वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में सामान्य तौर पर मिलती है। और दूसरी डेफिनेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर वर्ष में, पूरे वर्ष में अगर किसी की जलवायु जो होती है उसका औसत जलवायु को मानकर, उसका औसत मौसम को मानकर, औसत दशा को मानकर हम एक जल निर्मित करते हैं कि यहाँ पे इस टाइप का मौसम रहता है और वही क्या कहलाता है, उसकी जलवायु कहलाती है। तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु। देखो भारत पे मानसून आया तो कितना आया, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमारी चाहे कृषि हो चाहे हमारा इकोनॉमी हो वो कहीं ना कहीं हमारे किस पे निर्भर करती है, वो आपके मानसून पर निर्भर करती है। तो मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? मानसून शब्द का अर्थ होता है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। किससे? अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। और मानसून का अभिप्राय क्या है? मौसम, है ना। और भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो होती है मानसूनी पवन से होती है। यहाँ भारत की जो स्थिति है, आदि तो देखो कर्क रेखा के नीचे हिस्सा है, तो नीचे आधा, क्योंकि लगभग लगभग कर्क रेखा हमारे लगभग भारत के मध्य से निकलती है, तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध क्षेत्र है। तो आपका ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है इसकी वजह से यहाँ पर जो मानसूनी पवन है इसका एक मुख्य स्रोत है यहाँ पे इस क्षेत्र में वर्षा का। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है?
हमारे यहाँ पर कृषि के ऊपर मुख्य तौर पे डिपेंडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूर और उच्चावच पर निर्भर करती है। कैसे? देखो, अब मान लो समुद्र से बहुत ज्यादा दूरी पे है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो वायु जो नमी लेकर आ रही है वो वहां तक उससे पहले ही अन्य जो दूसरे स्थान होंगे वहां पे अपनी बरसात करते हुए चलेंगे, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे उतनी वर्षा हो ही नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? वहां पे सूखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऊंचाई, अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होगा तो ठंडा होगा, जैसे कि आपके हिमालय क्षेत्र है ना। समुद्र से दूरी बिल्कुल मैटर करती है, समुद्र से पास में होगा, बिल्कुल तट में होगा तो बरसात ज्यादा होगी, ज्यादा दूर होगा तो कम होगी। उच्चावच, अगर ऊंचा नीचा हो गया तो कहीं आपका छाया वृष्टि क्षेत्र हो जाएगा तो कहीं पे आपका डायरेक्ट बादलों के टकराने की स्थिति आ जाएगी, जैसे कि आपके राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति है कि वहां पर पर्वत होने के बावजूद चूंकि स्थिति कैसी है, आपकी जो अरावली रेंज की स्थिति है वो कैसी है, वो समानांतर है वायु के, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का जो हिस्सा है वो आधा क्या है, रेगिस्तानी हिस्से में बदल गया, जबकि यहाँ पे आपके हिमालयन रेंज जैसा बर्फीले क्षेत्र भी हैं, तो नीचे आपके पठारी क्षेत्र हैं, यहाँ आपकी सतपुड़ा का और विंध्याचल श्रेणी है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर पानी नहीं बरसता। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पवने बहती हैं वो समानांतर बहती हैं और टकराती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बरसात बहुत कम होती है। तो स्थिति बहुत मैटर करती है, ऊंचाई बहुत मैटर करती है और समुद्र से दूरी बहुत मैटर करती है। अब देखो, जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तो बरसात होती है, लेकिन अन्य में क्यों नहीं होती? क्योंकि समुद्र से जो दूरी है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में सामान्य तौर पर ज़्यादा बरसात होती है। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है बरसात का कि जलवायु किस प्रकार इन चीज़ों पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है और इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? आपके मौसिनराम में होती है। इससे पहले जब हुआ करती थी तो भारत में ही चेरापूंजी के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होता है तो स्थान भी बदल जाते हैं और यही कारण है कि अब वो चेरापूंजी से मौसिनराम में चेंज हो गई। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसल में वर्षा होती ही नहीं है। अभी भारत के एक हिस्से में तो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और एक हिस्से में कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये हमारे भारत देश की विविधता का परिणाम है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करें। अब जलवायु विभिन्नता देखने को मिलेगी तो अनुकूलतम जो वनस्पति है और आपकी जीव संपदा है वो भी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। तो देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, इनमें से कुछ बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। ठीक है, घास झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जो घास पौधे जो झाड़ियां हैं जिनको किसी मनुष्य कोई मनुष्य नहीं उगाता, वो अपने आप जंगल में उग जाते हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब आप खेत में बोलें कि हमने बीज डाल दिए थे और फिर वो तो अपने आप ही हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने बीज तो डाला ना, तो वो आपकी प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। लेकिन जंगल में आपने कहीं कोई पौधा नहीं उगाया, पेड़ नहीं उगाया, वो अपने आप उगाए, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं।
इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, अब कुछ पेड़ों को क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है और कुछ को कम चाहिए होता है, तो उस आधार पर वनस्पति भी अपने अनुकूलतम स्थान पर पैदा होती है ना। तो जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग-अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? अरे भाई, हमें वनों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पेड़ पौधे ही तो हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अन्य जो जीव हैं सामान्य तौर पे, जितने भी जीव जंतु हैं वो सामान्य तौर पे क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ही तो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। साथ में हमारे पास जो भी संसाधन है उसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान जो है वो वनों का है, चाहे वो लकड़ियां हों, चाहे वो अन्य जो कच्चे माल के तौर पे बहुत सारी चीजें हों, है ना। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो हीट है, जो पृथ्वी से निकलने वाली हीट है, उसको रोकती है। और ऐसी स्थिति में अगर वो पूरी बहुत ज्यादा मात्रा में होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, ज्यादा हीट रुकेगी तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। और अगर कम हो गई बहुत ज्यादा तो क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे ठंड बहुत होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर होल्ड करने के लिए कोई और गैस नहीं होगी, कोई कारण नहीं हो मिल पाएगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठंडा हो जाएगा। तो दोनों ही संतुलन बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार की मिट्टी को अपरदन करने से रोकती हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपने अनुकूलतम जो वातावरण के लिए हमें कुछ जो भी चाहिए हम वो जड़ी बूटियां या फिर फसल वो उगा सकेंगे। अगर मृदा अपरदन हो गया तो ना ही तो हमारे लिए स्थित मैदान होंगे और ना ही हम अपनी अनुकूलतम हमने खाने के लिए, चाहे हम उगाएं किसी फसल को या फिर किसी अन्य कार्य के लिए उगाएं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं वन्य प्राणियों की। तो वन्य प्राणी, इनका प्राकृतिक निवास क्या है, आपके वन, और वन से ही क्या बना, वन्य प्राणी। और वन में सामान्य तौर पे क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जो स्वयमेव यानी अपने आप पैदा होती है, उनमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। तो चलिए वन्य प्राणी के बारे में बात करते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, सरीसृप क्या होते हैं, जो रेंगकर चलने वाले हैं, जैसे कि आपका सांप हो गया। उभयचर, उभयचर क्या होते हैं, जो जल और धरती पे दोनों पे निवास कर सकते हैं, जैसे कि आपका मगरमच्छ हो गया, जैसे कि आपका कछुआ हो गया। पक्षियों, पक्षियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, जितने भी आपके पक्षी हैं। स्तनधारी, ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सब क्या है, स्तनधारी। कीट, कीड़े और कृमि, जो सामान्य तौर पर रेंगकर चलने वाले जो छोटे कीड़े होते हैं उनको हम कृमि के तौर पर जानते हैं। तो ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। क्या? वन आपका। ठीक है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी शेर को लगाए आते हैं, कभी मतलब अलग अलग लोग हैं और विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, तो उस आधार पर लोगों की मानसिकता भी बदल जाती है। कई लोग तो यही समझ नहीं पाते कि शेर और बाघ में भी अंतर होता है। तो बच्चों, बाघ यानी टाइगर होता है ना, और आपका शेर होता है लायन होता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये आपका टाइगर है, लायन अलग होता है, लायन अलग होता है, लायन क्या होता है, लायन शेर होता है, जो कि आपका राष्ट्रीय पशु नहीं है। ठीक है,
यह आपका राष्ट्रीय पशु नहीं है, टाइगर है आपका राष्ट्रीय पशु। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है। देखो ये लाइनें चाहे हाईलाइटेड नहीं हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये आपका जो पूरा की पूरा आपका ये जो पैराग्राफ है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा। ठीक है, तो आपका बाघ आपका राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन में क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान में मिलता है। और जंगली गधा कई बार आ चुका है, जंगली गधा कहाँ है, कच्छ के रण में देखने को मिलता है। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ भालू ये सब कहाँ मिलते हैं, ये आपके हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नील गाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है ना। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें कोबरा और करैत ये बहुत ही ज्यादा विषैले सांप हैं। ठीक है, और इनसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी ओ सॉरी विभिन्न प्रकार की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। आगे देखें, वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्रस्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजनाओं एवं हस्ती परियोजनाओं, हस्ती मतलब हाथी होता है ना, हस्ती परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं को शुरुआत किया है। क्या आप भारत में कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र में उनकी स्थिति को बता सकते हैं? इसके बाद आपका आता है, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर में शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर से पहले सप्ताह को वन्य सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है, उसको हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, अवेयरनेस लाई जा सके। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। कौन सा, आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक को कैसे मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। फिर आपका एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपके प्रवासी पक्षी वाला। हमारे यहाँ पे कौन से प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं, आपका पिंटेल बतख, करल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सर्दी के मौसम में सबसे छोटे लिटिल स्टिंट जिसका वजन कितना है, मात्र 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है। ठीक है, तो प्रवासी पक्षी आप समझते होंगे क्या होते हैं, जो विदेशों से हमारे देश में आते हैं। अब ये सीमाएं जो हैं वो हमारे लिए हैं, इन पशु पक्षियों के लिए थोड़ी है, ये तो कहीं से भी और कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो इन्होंने पक्षी जो होते हैं वो प्राकृतिक संपदा के बारे में सबसे बेस्ट होते हैं, हम मनुष्यों के कंपेरेटिवली बहुत अच्छे होते हैं, इनकी कोई सीमाएं नहीं होती। ठीक है, तो ये आर्कटिक प्रदेश से आते हैं, 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भारत क्षेत्र में। ठीक है, तो हमारी भारत भूमि कितनी विविधता और कितनी संपदा को लिए हुए है, इस बात का गौरव होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से प्राकृतिक संपदा से प्रभावित होकर किधर किधर से अपने वन्य जीव जो हैं वो यहाँ आते हैं प्रवासी पक्षियों के रूप में। तो आपका चैप्टर यहाँ होता है समाप्त, करते हैं अभ्यास प्रश्नों की बात। तो कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, तो दक्षिण पश्चिमी जो आपकी मानसूनी पवने हैं वो आपकी यहाँ पे क्या लाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी जो पवने हैं, मानसूनी पवने, कौन सी मानसूनी पवने जो हैं वो आपके यहाँ पे वर्षा लाती हैं।
भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो शीत, शरद, ग्रीष्म और वर्षा, ये चार ऋतुएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है जिनके उत्पन्न होने में मानव का योगदान ना हो? बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको ये बताया। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो तटीय किनारे पे है, तो हाँ वर्षाएं होती रहती है। आसनसोल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मौसिनराम, ये है आपका बिल्कुल। मौसिनराम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, जो आपके भारत के क्षेत्र में है, मेघालय के अंदर। जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पहला ही आंसर इसका सही है ना। दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने कहाँ बहती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवने कहाँ से कहाँ? तो स्थल से समुद्र की ओर? बिल्कुल नहीं। तो अगर स्थल से समुद्र की ओर बहेंगी तो भारत में वर्षा कैसी होगी, क्योंकि भारत तो स्थल है। समुद्र से स्थल की ओर, बिल्कुल सही बात, यही आपका होगा बिल्कुल सही आंसर। पठार से मैदान की ओर? बिल्कुल नहीं, है ना, ये भी नहीं। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमेशा चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही है लेकिन उससे अगला वाला ऑप्शन है वो उससे भी अच्छा होता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा चारों ऑप्शन को एक बार रीड आउट जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवने चलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इस चैप्टर के हिसाब से हम उनको लू कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे भारत की स्थानीय पवनों की बात हुई थी, और यहाँ पे जो शुष्क और गर्म पवने थी वो कौन सी थी? वो लू थी। ठीक है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है? जब आपकी वापस लौट रहा होता है मानसून, तो आपके कौन सी ऋतु चल रही होती है? शरद ऋतु चल रही होती है, और शरद ऋतु में मानसून वापस लौटने का समय होता है। तो शरद के मौसम में या मानसून लौटने के समय में, मानसून लौटने के मौसम में, मानसून लौटने के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। गुजरात के वन में, गुजरात के वन में गिर वन में, है ना, गिर वन में किसका निवास होता है? एशियाई शेरों का। एशियाई शेरों का, एशियाई शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व में बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, और उनमें से हमारा भारत देश की, ये गुजरात की जो जगह है गिरवन की, इसमें पाया जाना अपने आप में गौरव करने वाली बात है। तो बच्चों, इसी के साथ होता है आपका एक चैप्टर समाप्त, आपकी ये क्लास भी यहीं पे होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।